आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंदिर के ऊपर गुम्बद क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है और क्या इसका साइंटिफिक रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि सिद्धांत और वास्तुकला की माने तो गुम्बद मंदिर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि महत्वपूर्ण भाग होता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिमा के सामने खड़ा होकर मंत्र उच्चारण या प्रार्थना कर रहा होता है तो उसकी ध्वनि जाके गुम्बद से टकराती है और गुम्बद से टकराने के बाद वो केंद्रभूत होकर प्रतिमा को जागृत करती है। और ये माना जाता है कि जागृत होकर प्रतिमा उस व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल प्रदान करती है। और ये तो एक मान्यता हो गई कि लोग ऐसा मानते हैं कि इस तरह से करने से हमारी पुकार या प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाएगी। और साइंटिफिक रीज़न ये है कि गुम्बद का जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि वो तेज़ आंधी तूफान में भी उस पर कम प्रभाव पड़ेगा और जिससे मंदिर जो है वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि हर मंदिर में तो गुम्बद नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ पे आप लोग देखते हैं मूर्ति रखी होती है तो उसके ऊपर एक खाली जगह होती है और एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है, तो वो जो डिज़ाइन होता है, जो वो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसी चीज़ की बात की गई है।